भोपाल में भारी बारिश से हाल बेहाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले में घुसा नाले का पानी। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की विशेष साधना, शुभकामना संदेश में बोले सबले अपने गुरु का आशीर्वाद। श्रीलंका में इमरजेंसी की घोषणा, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। कोरोना के नए मामलों में 24% का इजाफा, एक्टिव केस की संख्या 1.3 लाख के हुई पार। भारत ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज के पहले मैच में बुरी तरह हराया, रोहित बुमराह ने दिलाई जीत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर आज शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ का विशेष पूजन कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाया। उनके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी गुरुओं और मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों की विधि विधान के साथ पूजा की गई। उन्होंने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु ही सबसे बड़े मार्गदर्शक है। चुनौती में भी आपको समाधान दिखाई देगा और जहां समाधान है वहीं पर आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता है। जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे, जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते। जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। वे हर एक कार्य में कुछ ना कुछ समस्या गिना देते हैं। आजादी का ही यह अवसर है जो हमें इतने बड़े आयोजन के साथ बिना किसी औपचारिकता के शामिल होने का अवसर दे रहा है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार अपने चर्या को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, हमें अपने अनुरूप जीने की आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता भी है। सभी प्रकार के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भारत की आजादी के कारण ही हो पा रहा है। इस खबर में हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, साथ ही साथ उन्होंने कई संदेश भी दिए, उन संदेश के बारे में जानना चाहेंगे। राजभवन का पालन करते हैं और पूरी तरह से यहाँ पे आते ही कार्य में लग जाते हैं और सीधे उन्होंने 464 करोड़ रुपए का सौगात लिया गोरखपुर वासियों को, तो इसके साथ ही कानून व्यवस्था की जायजा भी लिया। प्रशासन के साथ बैठक हुई, अधिकारियों को फटकारनी पड़ी और FIR दर्ज करने के लिए, पीड़ितों की गुहार सुनने के लिए उन्हें आदेशित किया गया है। साथ ही कड़ा रुख अपनाते हैं और साथ ही आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर नाथ पंथ के लिए बहुत महत्व रखता है। गुरु गोरक्षनाथ जो है उनकी परंपरा यहाँ चली आ रही है, जो हर मठाधीश जो है अपने गुरुओं की पूजा करता है और साथ में जितने भी शिष्य होते हैं। नाथ संप्रदाय की बात करें तो पूरे देश में नाथ संप्रदाय फैला हुआ है, तो उस हिसाब से देर भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आशीर्वाद दिया, वो एक गुरु और एक गुरु के रूप में उन लोग को आपके वचन भी दिए और सनातन धर्म के विषय में भी जानकारी दी कि किस तरह से इसको जागरूक किया सकता है लोगों को। और साथ ही उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। पूरे आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है एक सीएम के ही नहीं बल्कि पीठाधीश्वर के रूप में ही यहाँ पे बैठे हुए थे और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और दैनिक दिनचर्या के साथ ही वो जो है गायों को गुड़ चना खिलाते हैं और उसके बाद वैदिक चारों के साथ गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना करते हैं और उनको रोज का प्रसाद चढ़ाते हैं। वैदिक पूजा होती है, वैदिक गुरु यहाँ पे मौजूद रहते हैं और इसके साथ ही 1500 से ज्यादा
जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, विभिन्न मठों के मठाधीश्वर रहते हैं, वो आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद से ही जनता दरबार ही योगी आदित्यनाथ लगाते हैं। राज हमको कहते हैं ना कि जनता उन्होंने सीखा ही नहीं है, इसी बीच में कार्यकाल के समय जनता दर्शन का कार्यक्रम किया है और अधिकारी को ये फटकार लगाई है कि किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी बात को लेकर। अगर उनकी FIR दर्ज नहीं जा रही है, अगर थाने स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका निस्तारण किया जा रहा है? NCR के लिखी जा रही है, FIR सीधे क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से एक्टिव नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हिमांशु, अगर बात करिए सीएम के दौरे की, तो 3 दिवसीय दौरे पर है और बीते दिन उन्होंने कई चीजों का जायजा भी लिया और कई परियोजनाओं की शुरुआत करी, लोकार्पण शिलान्यास किया। अगर बात करें कल की, तो कल क्या कुछ सौगात दे सकते हैं सीएम और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम के? जी बिल्कुल, कल जनता दर्शन का फिर कार्यक्रम उनको करना है, क्योंकि जब भी वो गोरखपुर में रहते हैं तो सुनते ही जब वो सांसद हुआ करते थे तब भी जनता दरबार लगाया करते थे और लोग अपनी अपनी बातों को रखा करते थे। तो अब मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश भर से लोग यहाँ आते हैं और जब पता होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे हैं तो लोग यहाँ आते हैं और अपनी अपनी फरियादों को रखते हैं, जो उनकी सही कोई सुनवाई नहीं होती है उस विषय में रखते हैं और उससे अधिकारियों को आदेश देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही लोगों से बैठकें करते हैं अधिकारियों से, प्रशासन से। यहाँ तक कि आप बता दें इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है IIT की मान्यता के लिए बात की जा रही है, उनके वहाँ के लोग यहाँ आए, प्रबंधक आए, उन्होंने भी बात की। तो जाहिर सी बात है सौगातों की जो है हड़ियाँ लगती जा रही है, किस तरह से विकास की योजनाओं को आगे ले जाया जाए, चौमुखी विकास किस तरह से किया जाए, यही सोच है सीएम योगी आदित्यनाथ की और पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। और इसके साथ ही कल बता दे कि मानसरोवर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें भी सुंदरीकरण का जो है जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि सावन कल से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ सावन के दिन ही लोगों को सौगात देने चाहते हैं कि सुंदर प्राचीन एक मंदिर जिसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आज एक बार फिर मामले की सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। इस मौके पर वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि आज हमारी दलीलें शुरू हो गई हैं, हमने कहा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, मुझे प्रदेश सरकार ने जो NOC दी थी उसे मैंने कोर्ट के सामने पेश कर दिया है, हमें 2 दिन और लगेंगे कोर्ट के सामने रखने में, हम उनके सारे पॉइंट्स का जवाब देंगे। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। आफताब, लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो वहीं मस्जिद नहीं हो जाती किसी भी जगह पे नमाज पढ़ने से, ये बात भी कही गई है दलीलों में, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। जी, कल ज्ञानवापी की सुनवाई पूरी हुई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आज हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की दलील का काउंटर करेंगे। जी, आपको बताते चलें कि अंजुमन इंतजामिया के वकील अभयनाथ यादव की बहस समाप्त होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के 4 तिथियों में बहस में कही गई बातों से कोई तथ्य सामने नहीं रखा है। आराजी संख्या 9130 के बाबत अंजुमन पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वहां 600 वर्षों से नमाज होती चली आ रही है। दीन मोहम्मद के केस में खसरा नंबर 9130 को स्वीकार किया गया है, वह अराजी संख्या काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट के देवता के अंतर्गत बताई गई है। CPC के ऑर्डर 7 Rule 3 में संपत्ति का मालिकाना खसरा या चौहद्दी से निर्मित होता है, कि खसरा का जिक्र बाद में किया गया या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आफताब आलम जुड़े थे वाराणसी से।
सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम योगी ने आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना, उनके निस्तारण के आदेश भी दिए। इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची को देख सीएम ने उसे उपहार स्वरूप चॉकलेट भी दी, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया। उसके बाद राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी भक्त अपने गुरुओं की आराधना की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। सरयू घाट पर पुरोहित रामाधार पांडे ने कहा कि 2 साल कोरोना काल में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने ससुराल वालों के साथ में आई हूँ। यहाँ की मान्यता है सरयू नदी में गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है, इसलिए अपने छोटे से बेटे को लेके आई हूँ उनका मुंडन कराने के लिए। सभी पूर्णिमाओं से बड़ा गुरु पूर्णिमा माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गौ पूजा का महत्व है अयोध्या जी में। ये धन वंश की वृद्धि करता है। जो लोग स्नान के बाद गौदान करते हैं, गौ के ऊपर वस्त्र डाल करके उसकी पूजा करते हैं, उनके धन वंश की वृद्धि होती है। और उसके बाद टीका चंदन लगा करके सीधा भोजन दान करते हैं, फिर जा करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, फिर अपने घरों को जाते हैं। आपका शुभ नाम? राम आधार पांडे, तीर्थ पुरोहित, अयोध्या। पूर्णिमा के महत्वपूर्ण त्यौहार के अवसर पर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, स्नान घाट पर सबसे पहले लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे जल पुलिस की व्यवस्था की गई है, पिकेट लगाई गई है, विभिन्न सिपाहियों को जगह जगह खड़ा किया गया, लोग सिटी बजा के लोगों को अलार्म दे रहे हैं कि आप गहरे पानी में न जाएं, किनारे स्नान करें। साथ ही साथ भीड़ को देखा, ड्यूटियाँ चल रही हैं। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर राजघाट पर नमामि गंगे के तत्वाधान से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जन जागरूकता के क्रम में स्नानार्थियों से गंगा स्वच्छता में सहयोगी बनने की अपील की गई। साथ ही वहां मौजूद सदस्यों ने पूजन कर महिलाओं से प्लास्टिक को गंगा में ना फेंकने और दूर रखने की अपील करी है। वहीं इस मौके पर महानगर संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, महानगर संयोजक शिवम अग्रहरि, मंडल संयोजक रश्मि साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। रायबरेली में गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर गंगा के घाटों पर आस्था का सैलाब टूट पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। सुबह से ही गंगा के घाट पर भारी भीड़ दिखाई दी। जिले के डलमऊ, गेगासो और रालपुर घाट पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके साथ ही कई जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। किसी ने फल तो किसी ने पैसा बांटकर बड़ी धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर कलाकार अभिनेत्री अंजलि राघव, जो कि जनपद फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मपुरी पुठरी की हैं, जहां प्राइम टीवी से खास बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय अपनी बड़ी बहन को उन्होंने दिया और अपने जिले के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी कही। बेटी जिन्होंने बॉलीवुड और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया, वो बहुत ही कम उम्र में। आप बताना चाहेंगे कि ये नवाबगंज की रहने वाली हैं और अंजलि राघव हैं, जिनको आप जानते ही होंगे। आज हम उनसे बात करते हैं कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, किस तरीके की मेहनत रही और प्रेरणा का स्रोत आपका कौन है? सबसे पहले तो नमस्कार, इतने सारे सवाल पूछ लिए, एक बार दोबारा रिपीट। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत कौन है? प्रेरणा मैं अपनी सिस्टर को देख देख के सीखने की इच्छाओं करो, जिस चीज में इंटरेस्ट हो तुम उसमें हमेशा आगे जाओगे, जो करने का मन हो किसी की मत सुनो, करो, दुनिया की नहीं सुननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर, और उन्होंने हमारे साथ बात की और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया, बताया कि किस तरीके से उन्होंने मुकाम हासिल किया और फरुखाबाद की जनता के लिए संदेश दिया।
खबर गाजियाबाद से है, जहां पर नवयुग मार्केट इलाके में नगर निगम का बुलडोजर बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर जमकर चलाया गया, जिसके विरोध में मौजूदा पार्षद भी सामने आए। दरअसल बिजली विभाग ने नाले पर अतिक्रमण करके अपना दफ्तर बनाया हुआ है, जिसको लेकर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए दफ्तर को ही जमींदोज कर दिया। ये अब से पहले नहीं दिखा, 70 साल पुराना था। आगे की दीवार इन्होंने जब नाला बनाया तो दीवार को मिलाया गया, हमने उनका पूरा का पूरा वो तोड़ दिया और खुद उन्होंने आगे बढ़ के खुद तोड़वाया। लेकिन कम से कम थोड़ा सा ऐसा तो छोड़ दो ना, वो बैठ पाए बेचारे। बिजली विभाग ने योगी जी का फरमान बिना अनुमति के अगर निर्माण किया है, ये नहीं करना चाहिए था। कोई वैकल्पिक जगह दे दो, रोकने के लिए निर्देश किया गया था। को भी यही कहा कि कोई वैकल्पिक जगह, नगरायुक्त महोदय के पास शिकायत होने पर तत्काल शिकायत होने के क्रम में विभाग वाले जाके एक एप्लीकेशन। बुलंदशहर में खानपुर थाना क्षेत्र के ढकरौली प्याऊ में गल्ला व्यापारी की दुकान में मक्के की तुलाई के दौरान किसान को कंप्यूटर कांटे से तली जा रही मक्के की घटतौली करने की भनक लग गई, जिसके बाद बीच में ही मक्के की तुलाई को रुकवाया गया। वहीं इस पर जब किसान ने तौल कांटे को चेक किया तो व्यापारी के जेब से कांटे को कंट्रोल करने का रिमोट निकला और पीड़ित किसान ने आसपास के किसानों को घटना की पूरी जानकारी दी। किसानों को इकट्ठा होता देख गल्ला व्यापारी मौके से दुकान बंद कर फरार हो गया और उस मक्का में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ पाई गई। मेरे भाई किसानों को जो है बहुत घना लूटा इन लोगों ने। ढकरौली प्याऊ पे एक आड़त खुली है, गल्ला आड़त, छोटी सी दुकान में है। तो उनके पास में पहले भी मक्का लेकर आया था, उसमें 2-3 क्विंटल का फर्क आया था। इस बार मैं थोड़ा नाप करके लाया और वहाँ पे आने पे जो है मक्का चालू हो गई तोलनी। चालू होने पे उन्होंने, उनके पास रिमोट था, पहला कट्टा जो है वो ठीक तोल लिया। उसके बाद दूसरा जो कट्टा तुला है, दूसरा कट्टा 56 किलो का उतरा है। 56 किलो मुझे शक था, मैंने फौरन जो है कांटा रुकवा लिया और उसके उसमें हाथ डाल दिया जिम में। मुझे मालूम था कि इन पर रिमोट है, वो मेरी नाप तोल का हिसाब था, तो उस हिसाब से जो मुझे भनक लगी और जो मेरे पास जो है उसका रिमोट है, देखो मैंने रिमोट छीना है उससे और ये रिमोट है, ये रिमोट। ग्रेटर नोएडा के प्यावली गांव में घर पर रात के अंधेरे में पथराव करने की घटना सामने आई है, जिसमें महिला को गंभीर चोटें सामने आई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने उल्टा पीड़िता को ही डराने धमकाने की कोशिश की और कहा कि घर के अंदर क्यों नहीं थे। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते पहले भी पीड़िता के ऊपर हमला हो चुका है, जिसमें एनटीपीसी चौकी इंचार्ज ने हल्की फुल्की कानूनी कार्रवाई करके टहला दिया। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे गरीब मजरे उतारा गौरी में संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन मकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आने से घर की सारी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। वहीं परिजनों ने गांव के ही युवक पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर पारिवारिक विवाद में बड़े भाई और उसके घर वालों ने भाई रामदेव और उसकी पत्नी पुष्पा देवी के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक दंपत्ति अपनी 1 माह के बच्चे की दवा दिलाने जा रही थी, इसी दौरान उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें बच्ची को भी चोट आई है। मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी शिकायत थाने पर दी गई, जिसके साथ ही मां मृत को लेकर एएसपी शिकायत की। एएसपी ने पुलिस को बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मां को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चलो ठीक है, अब ये बता दे रहे। तो ये क्या हुआ था इसको, इसे मार दिया उधर फेंक दिया क्या? लड़ाई वैसी था, पुष्पा देवी हैं, पुष्पा देवी आई थी, वाइफ आप रामदेव, ये लखमापुर की हैं, ग्राम लखमापुर थाना पाली की।
इनका ये कहना था कि दिनांक 6-7 को इनके जेठ और उनके लड़के और जेठानी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें इनके एक माह की बच्ची को चोट लगी थी और उसी का ये इलाज करा रही थी, उसी में इनकी मृत्यु हो गई एक माह की बच्ची की। तो इनके प्रकरण को लिया गया है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए अभी यहीं से भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम करा के जांच कराई जाएगी और भी डिटेल जो भी होगा इसमें अवश्य। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।